पार्ट नंबर सिक्स पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग बताते रहे कि मेरा चैनल आईटीआई इलेक्ट्रिशियन उदय सर के नाम से है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो भी आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं, इस पर पल पल की आने वाली जो एक दो दिन एक सप्ताह में जो भी जॉब की जानकारी आएगी सब आपको पता लगेगा। चल रहे आपको ट्रांसफार्मर को शुरू करने और कॉन्सेंट्रेट माइंड हो के आधे घंटे पढ़िए, घंटे पढ़िए, पूरा उसको जुनून के साथ पढ़िए। और कल वाली चीजें मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। और मैं आगे इस पॉइंट को आगे बढ़ा रहा हूँ। पार्ट नंबर सिक्स में हम तीन चीजों का अध्ययन करेंगे कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण 6 से 7 आधार पर किया गया है। जैसे आपको एज फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आप ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण टॉपिक आज है, आज पढ़ाएंगे आपको ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। आज हम आपको सेकेंड पॉइंट पढ़ाएंगे शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है, किस सर्किट के द्वारा कौन सा लॉस ज्ञात किया जाता है, उसका कनेक्शन कैसे होता है, कौन कौन से इलेक्ट्रिकल उपकरण उसको बढ़ाने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए या ओपन सर्किट टेस्ट करने के लिए किस किस इलेक्ट्रिकल जैसे वाट मीटर हो गया, एम्पियर मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, इनकी जरूरत पड़ेगी। उस वाट मीटर में प्रेशर कॉइल क्या होता है, आपका प्रेशर कॉइल क्या होता है, करंट कॉइल क्या होता है, ये सब भी हम आपको क्या करेंगे, जानकारी देंगे। उसके बाद से जो ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट है उसका जो आउटपुट परिपथ है वो शॉर्ट रखेंगे कि ओपन रखेंगे, इस बात का ध्यान देंगे। आज सुनिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसमें ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, किसका वर्गीकरण, द माइंड यहीं पर रखिए, ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। देखो ट्रांसफार्मर का जो वर्गीकरण है, ट्रांसफार्मर का जो वर्गीकरण है वो आपको 6 आधार पर किए गए हैं। कितने आधार पर, 6 आधार पर, 7 आधार पर मान के चलिए। 6 आधार पर पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर 7वें आधार को हम लोग वोल्टेज के आधार पर चलिए। सबसे पहले हम चलो ध्यान दीजिएगा वोल्टेज के आधार पर, किस आधार पर, वोल्टेज के आधार पर, जो आपको कंटिन्यू पहले दिन से समझ रहा हूँ वोल्टेज के आधार पर। तो वोल्टेज के आधार पर जो ट्रांसफार्मर का हम वर्गीकरण करते हैं तो एक वोल्टेज को बढ़ा देता है, दूसरा वोल्टेज को घटा देता है। तो वोल्टेज के आधार पर, तो वोल्टेज के आधार पर, तो वोल्टेज के आधार पर एक आपका हो जाएगा बाबू स्टेप अप, क्या हो जाएगा, एक स्टेप अप। कल के वीडियो में इसमें मैंने बताया था कि स्टेप अप का फिगर कैसे होगा, इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग, तो वोल्टेज को बढ़ाते हो तो सेकेंडरी वाइंडिंग क्या करते हैं, लपेटों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग में ज्यादा करते हैं और प्राइमरी वाइंडिंग यानी स्रोत की तरफ लपेटों की संख्या कम होती है, जबकि स्टेप डाउन में, स्टेप डाउन में प्राइमरी की तरफ सेम ऐसे फिगर होता है। मैं छोटे से बता दे रहा हूं, हो गया यहाँ पर आपके स्रोत लग गए, यहाँ पर आपका लोड, लोड का मतलब एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, लोड का मतलब एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं, ये स्रोत हो गया आपका सर्किट है, लोड लगाया ना मोबाइल चार्ज हो रही है, लोड लगाता हूं ना आयरन चार्ज हो रहा है, एक बल्ब दे रहा हूं वो लोड कहा जाएगा, वो क्या है, लोड है। तो आपने देख लिया वोल्टेज लेवल को बढ़ा रहा है, सेकेंडरी की तरफ लपेटों की संख्या ज्यादा हो गई और स्रोत की तरफ लपेटों की संख्या। अब देखिए इसका हिंदी क्या होता है, स्टेप अप का ऊंचाई, ऊंचाई परिणाम, क्योंकि ट्रांसफार्मर की जो हिंदी होती है वो क्या होती है, ट्रांसफार्मर की हिंदी आपकी ऊंचाई होती है। अब आपका स्टेप डाउन, स्टेप डाउन का क्या होगा, वो अपचायक, अपचायक परिणाम, क्या हो जाएगा, अपचायक परिणाम। ओके आप अगला पॉइंट चल रहा हूं, कितने आधार पर, अब देखिए बाबू इसमें आपके फेज के आधार पर क्या चल रहे हैं, फेज के आधार पर, फेज के आधार पर भी आप दो प्रकार के होते हैं, फेज के आधार पर एक आपका होता है बाबू सिंगल फेज, एक आपका होता है थ्री फेज, एक होता है आपका सिंगल फेज और एक होता है आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। फेज को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को शॉर्टकट टीएसआर कर दीजिए
और आपका आपका थ्री फेज सिंगल फेज और थ्री फेज, बस इसमें प्रकार बता रहा हूं, इनका काम वर्किंग फंक्शन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसको आपने उतार लिया, तीसरा कर लीजिए। तीसरा आपका हो जाएगा कोर के आधार पर, किसके आधार पर, कोर के आधार पर, जो कि कल हमने पढ़ाया था, किसके आधार पर, कोर के आधार पर, किसके आधार पर, कोर के आधार पर। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, पहला उदाहरण था क्रोड के आधार पर, सेकंड था सेल, सेकंड आपका बैरी की सेल, बैरी टाइप और सेल टाइप, तीन होते हैं, आगे पीछे हो सकता है सेल टाइप। ये तीन प्रकार क्या होते हैं, तीन प्रकार के आपके ट्रांसफार्मर होते हैं। ये तीन हो गया, तीन और बता रहे हैं। वोल्टेज आधार पर कितने, वोल्टेज आधार पर दो, स्टेप अप तथा स्टेप डाउन। स्टेप अप पे सेकेंडरी की तरफ, लोड की तरफ टर्नों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, प्राथमिक की तरफ कम रहेगा। स्टेप डाउन में इसमें वोल्टेज का लेवल बढ़ेगा, स्टेप डाउन में वोल्टेज का लेवल घटेगा। स्रोत की तरफ लपेटों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, जबकि लोड की तरफ कम हो जाएगी। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, स्टेप डाउन को हिंदी में अपचायक कहते हैं, जबकि स्टेप अप को उचायक कहते हैं। आगे सेकंड पॉइंट, फेज के आधार पर दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होंगे। फेज समझ लो ना, आपके घरों में जो तारे आती हैं, एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक आपका फेज होता है, न्यूट्रल होता है, दो तारे होती हैं, थ्री फेज में तीन को तीन फेज के तारे आती हैं और एक न्यूट्रल होता है सप्लाई चलाने के लिए, ठीक है। उसके बाद से फेज के आधार पर आपका तीन होता है, आपने पॉली फेज में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज पढ़ा होगा, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उसमें ध्यान दे दीजिएगा। सिंगल फेज और थ्री फेज, आपका सिंगल फेज और थ्री फेज और कोर के आधार पर बहुत कल अच्छे से आपने सीखा था, मैं इसको चाह रहा हूं कि दो मिनट में इसको रिवीजन करा दूं। क्रोड के आधार पर, कोर के आधार पर तीन हुआ था, क्रोड बैरी और सेल टाइप। तो क्रोड बैरी और सेल टाइप में मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूं, कल जो स्टूडेंट्स गैप किए थे उनको समझ आ जाएगा। क्रोड के आधार पर क्या होगा, किसके आधार पर, क्रोड के आधार पर क्या, तो क्रोड में ध्यान देते जो भी उसका कोर बनाते हैं वो लौह धातु का होता है, और लौह धातु का होने से नुकसान होता है, चाहे वो नुकसान किस चीज का हो, किस चीज का नुकसान हो रहा था कल, आयरन लॉस या कॉपर लॉस होता है। इस नुकसानों को, इस नुकसान को बचने के लिए, थोड़ा सा कम ज्यादा होता है, इस नुकसान से बचने के लिए हम सिलिकॉन इस्पात की लेमिनेटेड या वार्निश पत्तियां लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सिलिकॉन, सिलिकॉन की लेमिनेटेड पत्ती लगाते हैं। और इसमें जो इसका जो फिगर है, आप लोगों को बताया था, इसका जो फिगर है कुछ इस प्रकार था, प्राइमरी इधर सेकेंडरी, और इसमें पूछा जाता है कि किस आकार का होता है, तो यह जो कोर है एल का था, यू कल के वीडियो में देख लीजिएगा, एल बड़ी बहुत अच्छा, उसमें का आपका भी आज दोपहर में आ जाएगा आपका 1:30 बजे। इसमें एल और यू प्रकार का हो रहा था, पूछा जाता है कि कोर में चुंबकीय परिपथ कितना होगा, चुंबकीय परिपथ या चुंबकीय रास्ते एक होते हैं कि दो होते हैं, इसमें वाइंडिंग कौन सा होगा, कंसेंट्रिक वाइंडिंग होता है, रास्ते इसमें आपके एक बनते हैं, और इसकी दक्षता क्या होती है, इसकी दक्षता कम होती है क्योंकि इसमें लीकेज ज्यादा होता है, जहां पर लीकेज ज्यादा होगा उसकी दक्षता क्या होगी, कम होगी। इसमें वाइंडिंग आपका कंसेंट्रिक वाइंडिंग यूज करते हो। अब आपका आ गया सेल टाइप को बता दें, सेल टाइप में कुछ इस तरह का हमने चित्र बनाया था, सेल टाइप में कुछ हमने इस तरह का चित्र बनाया था, इधर भी दो और इधर भी था, ठीक है। इसमें भी आपको इसमें आई ई एच एफ इतने प्रकार के हो गए, जबकि इस वाले में केवल आपका L और U और आयताकार क्षेत्र हुआ था, कल के वीडियो में देखिएगा, इसमें चुंबकीय रास्ते एक बने थे, कंसेंट्रिक वाइंडिंग हुई थी, इन सब चीजों का इसमें ध्यान देंगे। बैरी में भी कुछ इसी प्रकार से था, कल के वीडियो को आधे घंटे का वीडियो ध्यान से देखिएगा, सारा ये तीनों को बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से बताया हूं, और हर वीडियो में थोड़े थोड़े मात्रा में मैंने स्टेप अप स्टेप डाउन क्या होता है यहाँ पर भी समझाया हूँ, और फेज के आधार पर जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर ध्यान देंगे। अब हम लोग इसके तीन प्रकार पढ़ लिए, तीन प्रकार और बता रहे हैं, इसके बाद से आपका दो तरह के टेस्ट होंगे, एक ओपन सर्किट टेस्ट, एक आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो इसमें तीन प्रकार और क्या होंगे इसको मैं बता दिया, ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण तीन पढ़ लिया, तीन
और बताने जा रहे हैं। वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हाँ देखिए, इसमें आपका मापक यंत्र के आधार पर, किसके आधार पर, चौथा पॉइंट है मापक यंत्र के आधार पर। इसके आधार पर मापक यंत्र के आधार पर, तो मापक यंत्र के आधार पर दो होते हैं। मापक यंत्र के आधार पर कितने दो होते हैं, वैसे यहां पर नहीं लिखा हुआ। एक होता है बाबू ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है, सॉरी मापक आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है और एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और इंस्ट्रूमेंट में ही दो भागों में टूट जाता है, एक सीटी एक पीटी, ठीक है। तो ऐसे गौरवली आप मापक यंत्र के आधार पर, वन मिनट मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, इसमें कुछ डाउट है, इसमें डाउट इस डाउट कोई भी चीज आप लोगों के निगेटिव माइंड में न जाए। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो प्रकार के हो जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आपके दो प्रकार के हो जाएंगे, एक सीटी तथा एक पीटी, और आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर होंगे। चलिए ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आपका, इंस्ट्रूमेंट का मतलब मापक यंत्र, इंस्ट्रूमेंट का मतलब इंस्ट्रूमेंट यंत्र और मापक का मतलब इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट मतलब मापना, ओके। इस आधार पर दो होंगे, एक आपका सीटी और पीटी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और एक होता है आपका एक सीटी एक पीटी। यहां पर एक बेसिक समझ लीजिए, पूछा जाता है कि सीटी का पूरा नाम क्या है, करंट ट्रांसफार्मर, और पीटी का मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो सीटी का आप याद कर लीजिएगा, पीटी का भी याद कर लीजिएगा। एक आपको इसमें बहुत बेसिक रूप से बताया था, सीटी का सिंपल याद है, पहले वीडियो में बताया था हल्का सा, हो गया था, और पीटी में कुछ ऐसा था, ऐसे था कि प्राइमरी में जाना था, पीटी का कुछ ऐसे था। आपको इसमें डाउट है, इज क्लियर, सीटी का ऐसे सिंबल, एक लपेटा एक लपेटे पर ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें और ये तो आपका चौथा हो गया, पांचवा आपका हो गया शीतलन के आधार पर, किसके आधार पर, शीतलन के आधार पर। तो शीतलन में आपका दो होता है, अच्छा शीतलन में आप लिख लीजिए, लिखवा दे रहे हैं, शीतलन में चार प्रकार होगा, शीतलन में चार प्रकार का होगा, प्राकृतिक द्वारा तेल द्वारा जल द्वारा शीतलन और एयर ब्लास्ट शीतलन। प्राकृतिक द्वारा, जल द्वारा, वायुताप द्वारा और एयर ब्लास्ट द्वारा। किसके द्वारा होगा, प्राकृतिक द्वारा हो गया पहला, दूसरा वायु दाब द्वारा हो गया, तीसरा क्या हो गया आपका, जल द्वारा, और चौथा आपका हो गया एयर ब्लास्ट। और लास्ट पॉइंट आइए, छठवा जो आपका है वह छठवा लिख लीजिए आप, व्यापारिक ट्रांसफार्मर एक पावर ट्रांसफार्मर आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। व्यापारिक पर लिख लीजिए व्यापारिक, कमर्शियल ट्रांसफार्मर में एक आपका कौन सा आ जाएगा, एक आपका वितरण ट्रांसफार्मर को अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं, और दूसरा होता है पावर ट्रांसफार्मर को टी ऑब्लिक एफ भी लिख सकते हो, मैं टी एक्स आर भी लिख रहा था, टी ऑब्लिक एफ, यानी व्यापारिक आधार पर वितरण ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर। एक बार मैं रिकॉल करूंगा, एक बार दोहराऊंगा, ध्यान से देखिए,
सबसे पहले ट्रांसफार्मरों का हमने वर्गीकरण करना सीखा। ट्रांसफार्मरों के वर्गीकरण 6 भाग में हुए, जो पहला भाग था वोल्टेज के आधार पर आपने वोल्टेज को बढ़ाया तथा वोल्टेज को घटाया, जिसमें एक को आपने हिंदी में उच्चायक कहा, एक को आपने अपचायक कहा। अब लपेटों की संख्या उस आधार पर निर्धारित हुई। सेकेंड हुआ जो आपके फेज के आधार पर हुआ, सिंगल फेज उसको कहा गया तथा थ्री फेज कहा गया। उसके बाद आपका सीटी तथा मेजरमेंट के अंतर्गत सीटी तथा पीटी आए। उसके बाद से आपका सिग्नल के आधार पर प्राकृतिक द्वारा वायु द्वारा एयर ब्लास्ट द्वारा जल द्वारा और व्यापारिक आधार पर कमर्शियल टाइप। जो देखो घर में भी दो तरह के आजकल यूज सिलेंडर हो रहा है घर में, तो आपका कौन सा घरेलू होता है, ठीक है, और एक आपका देखते होंगे आपका होटलों में या कहीं कहीं पर बड़े बड़े 19 लीटर के वो सिलेंडर होते हैं, तो वो अलग होता है। दोनों का रेट अलग होता है, दोनों का खपत अलग है और दोनों की क्वालिटी अलग है, दोनों का यूज अलग है। सबसे बड़ी बात है यूज अलग है। आप घर वाले सिलेंडर को वहां पर यूज नहीं कर सकते हो, वहां पर ऐसे लोग करते हैं लेकिन वो अवैध है, उसका लाइसेंस बनाना पड़ता है। वहां पर आपको आपका होटल वोटल टाइप का है तो आपको वही 19 केजी वाला रखना पड़ेगा, भारत सरकार का नियम है। सर नो प्रॉब्लम। इससे व्यापारिक आधार पर वितरण ट्रांसफार्मर टी ऑब्लिक और पावर ट्रांसफार्मर। अब थोड़ा सा बता दे रहे, कल उसके बारे में वीडियो बनेगी, बेसिक रूप से बता दे रहे हैं। उसमें ध्यान दे दीजिए, आपको पूछा अक्सर जाता है। अगला जो पॉइंट है कि ट्रांसफार्मर में आपको आयरन लॉस, ट्रांसफार्मर में दो लॉस मुख्य रूप से निकलते हैं, एक आयरन लॉस एक आपका कॉपर लॉस। तो आयरन लॉस या कॉपर लॉस निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, आयरन लॉस या कॉपर लॉस निकालने के लिए, तो आयरन लॉस यदि आपको निकालना है, दो तरह के टेस्ट होते हैं। टेस्ट कितने प्रकार के होंगे, लिख देना ट्रांसफार्मर का टेस्ट टी ऑब्लिक ट्रांसफार्मर टेस्ट। एक आपका ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का हिंदी होता है खुला परिपथ, और आपका दूसरा पॉइंट है शॉर्ट सर्किट। क्या होता है शॉर्ट सर्किट, इसका होता है लघु पथन परिपथ। लघु शॉर्ट सर्किट होता है लघु पथन परिपथ परिपथ। अब देखो इसमें थोड़ा सा बता दे, कल इसके बारे में चर्चा होगी। जो हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट, ये हम लोग आयरन लॉस निकालने के लिए करते हैं। क्या निकालने के लिए करते हैं, आयरन लॉस से निकालते हैं। पूछा जाता है कि अब कैसे निकालेंगे, कौन कौन सा इलेक्ट्रिकल उपकरण आपको जरूरत पड़ेगी, वो कल के वीडियो में आएगा। और शॉर्ट सर्किट जब आप टेस्ट कर रहे हैं तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट आपका कॉपर लॉस कॉपर लॉस कॉपर का हिंदी होता है ताम्र। क्या होता है, ताम्र क्षति। और आयरन लॉस का मतलब होता है हिंदी में लॉस क्षति। तो दो क्षतियों के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में वीडियो कल बनेगा। जितना आज पढ़ाया हूं और के जो 3-4 वीडियो है अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इलेक्ट्रीशियन आईटीआई इलेक्ट्रीशियन उदय सर के नाम से चैनल है, लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। जो लड़के कहीं पर कंपनी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वर्क कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो भेजिए ताकि वो अच्छे से पढ़े, अपने घर का नाम ऊंचा करे, अपने घर का नाम रोशन करे, माता पिता के सपनों को पूरा करे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम कल मिलेंगे, इसको अच्छे से उतार लीजिए।